नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। दिखाते हैं आपको झालावाड़ जिले की ताजा खबरें। बानवेड़ी नगर की पंचायत समिति में गुरुवार को ग्रामीण विकास पंचायत राज विभाग की योजना की समीक्षा बैठक ली गई। जिला सीओ वर्दीचंद गर्ग की अध्यक्षता में रखी गई। सीओ ने महात्मा गांधी नरेगा योजना, आवास योजना, शौचालय बनाने को आदि को लेकर समीक्षा की गई। बैठक में आवर के सरपंच विमल जैन ने कहा कि नरेगा योजना में करोड़ों रुपए के काम करवाए जाते हैं, हर गांव की मूल समस्याओं को लेकर अवगत कराया जाता है, लेकिन सुरक्षा के लिए प्रत्येक गांव की गौशाला बना दी जाए तो इस समस्या का निजात मिल पाएगी। वहीं खेड़ा पंचायत सरपंच गोर्धन नारायण खेड़ा पंचायत सरपंच गोर्धन सिंह ने शौचालय को लेकर रुपये दिलाने की मांग कही। उपखंड अधिकारी राजेश डागा ने भी सभी सरपंचों को चारागाह जमीन मुक्त कराने को कहा। बैठक में सरपंच हड़मत सिंह, करावन सरपंच बालू सिंह, ग्राम सेवक आदि मौजूद थे। उपखंड अधिकारी ने भवानी मंडी शहर में अतिक्रमण हटाने को लेकर 3 दिन से अभियान छेड़ा, जो रामनगर से शुरू हुआ और स्टेशन तक अतिक्रमण हटाया गया। आसपास फुटपाथों पर दो पहिया वाहन, ठेले वगैरह और दुकानदारों के सामान जो रखते हैं उनको हटाया गया और हिदायत दी कि अगर आपका अतिक्रमण 3-4 दिन में नहीं हटा तो आपका सामान जब्ती किया जाएगा। इसी दौरान उपखंड अधिकारी ने आदर्श स्कूल चौराहे से लेकर अतिक्रमण की एक तीसरे दिन भी शुरुआत की। भवानी मंडी श्री जैन श्वेतांबर चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर की वार्षिक ध्वजा चढ़ाई गई। इस अवसर पर प्राप्त स्वच्छ शुभ यात्रा जुलूस निकाला गया। समस्त मूल निरोगी नागौरी के निवास स्थान से शुरू हुआ और नगर के प्रमुख मार्ग से होता हुआ पार्श्वनाथ मंदिर पहुंचकर समाप्त हुआ। सरकारी अस्पताल में भी अब दिखेगा आपको रंग रोगन और दिखेगी सफाई व्यवस्था। उपखंड अधिकारी राजेश डागा ने 15 दिनों से इस अस्पताल की मॉनिटरिंग करते हुए इस अस्पताल का रूप बदला। वहीं रंग रोगन सफाई अभियान के दौरान इसकी जोरदार शुरुआत की गई। अब मरीजों को कैंटीन का भी लाभ कुछ समय में मिल पाएगा। एसडीएम राजेश डागा की पहल से भामाशाह में अस्पताल के सुधार के लिए अपने अपने तरीके से घोषणाएं की और वहीं उपखंड अधिकारी ने भामाशाह श्री धर्मचंद जी गोटावाले, कमल सुरेखा आदि ने उनकी बात मानी। वहीं चिकित्सा प्रभारी के एल पटारिया ने बताया कि अब धीरे धीरे अस्पताल की काया पलट हो रही है। डग ग्राम पंचायत के डग सरपंच प्रतिनिधि शंभू सिंह मंडलोई और उप सरपंच सुरेश कुमावत काका ने डग खेड़ापति प्राथमिक विद्यालय स्कूल ब्राउंड्री वॉल विधावन का शिलान्यास किया। गौरतलब है कि पिछले कई समय से छात्रों के अभिभावकों को ग्रामीणों में बाउंड्री की बात को लेकर काफी समस्या हो रही थी। ये बेड़ा वहां के सरपंच और उप सरपंच ने उठाया। झालावाड़ जिले के बकानी ब्लॉक में आज 12वीं बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई। परीक्षा को लेकर छात्राओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। वहीं बकानी स्कूल में पांच स्कूलों में 314 छात्रों ने परीक्षा दी और ये आज से इसकी परीक्षा बोर्ड की शुरुआत हुई।
मनोर थाना के गोवन तस्करी की घटनाओं को रोकने के लिए वहां पुलिस ने एक पहल की और मनोर थाना पुलिस की गोरक्षा हिंदू दल कार्यकर्ताओं ने सतर्क से होते हुए एक गाड़ी को पकड़ा जिसमें कई गोवंश जब्त किए। कावर पकड़ लिए, तीन दिन से सीआईडी थी भाई साहब, तीन से पिकअप पकड़ाई है, मध्य प्रदेश की ओर जा रही थी जिसमें एक दर्जन गोवंश थे, उसके ऊपर क्या कार्यवाही हुई, आरोपी पकड़ाया या नहीं पकड़ाया? पिकअप में गोवंश ले जा रहे थे, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, गोवंश को सुपुर्द कर दिया गया गौशाला में और समय समय पे हम गोवंश के प्रति जो भी इस तरह शिकायत आती है इतना मिलती है कार्रवाई करते हैं। सर, क्षेत्र में अभी विगत कई दिनों से गोवंश की तस्करी काफी मात्रा में चल रही है ऐसा सुनने में आया। हाँ, उनेर कस्बे में थाना परिसर में थाना अधिकारी राजपाल सिंह यादव की अध्यक्षता में बुधवार को थाना क्षेत्र में सीएलजी सदस्यों की बैठक की गई जिसमें आगामी होली त्योहार के चलते शांति सौहार्द बनाने को लेकर चर्चा की गई। सीएलजी सदस्यों ने थाना क्षेत्र में कई समस्याओं को लेकर भी वहां के लोगों ने अवगत कराया। खबरें वही जो देती है आपको रोज नहीं दस्तक, हम उन्हीं खबरों को लेकर आया है खबर 24। आप अगर आपके आसपास हो रही घटना है या समाचार तो आप हमें भेज सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 0744-33-222-829। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए खबर 24 न्यूज। नमस्कार।